हेलो एवरीवन, दिस इज राजेंद्र नेगी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें लेंथ दी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं, बहुत ही सिंपल। एरिया आपको फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर गिवन है हमें, देख रहे हैं आप। ब्रेथ कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ भी हमने लिख लिया है यहां पर 3 सेंटीमीटर। और अब जो फाइंड करना है वो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपके पास? 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 लिख लिया। और ब्रेथ कितना है? 3 है, 3 लिख लिया। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, सेम यूनिट है। अगर एक यूनिट मीटर में होती, एक यूनिट सेंटीमीटर में होती, तो हमें क्या करना होता, सेम यूनिट में कन्वर्ट होता, तब हम एरिया निकालते। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15, और 2 कैरी था 15 प्लस 2 17 हो गया, 17 लिख लिया हमने। तो कितने प्लेस डेसिमल है? 1 प्लेस है, तो 1 प्लेस आंसर में भी लग जाएगा, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर।